ये था उन लोगों का शाही हमाम। जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये उस समय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लेकर आ गया हूं। इसे कहा जाता है नवाबों का शहर और यहां पर हम लोगों को घूमने के लिए इतनी सारी चीजें मिल रही हैं कि हम कंफ्यूज हो गए, पहले किसको बनाएं और बाद में किसको। आप मेरे पीछे जो पूरे का पूरा ये हिस्सा देख पा रहे हैं, ये है छोटा इमाम बाड़ा और इसकी जो प्रसिद्धि है वो है इसकी बहुत बारीक महीन नकाशी कलाकृति और इसका ये पूरे का पूरा विचित्र डिज़ाइन। इसका गेट तकरीबन देखने में मालूमात होता है कि ये 25 से 30 फीट के आसपास होगा। बहुत बारीक तरीके से कार्विंग्स की गई है और आप लोगों को मैं यहाँ से अंदर लेकर जाता हूँ ताकि अंदर की सारी चीज़ें मैं आपको आज यहाँ पर बता सकूँ और दिखा सकूँ। आइए मेरे साथ। दोस्तों अंदर आने के बाद में हमें यहाँ पर प्रवेश द्वार पर ही काफ़ी सारी अद्भुत चीज़ दिखाई दी हैं जो उन नवाबों के समय में एक विशेषता के साथ में बनी थी। सबसे पहले हम इसके इस पीछे वाले हिस्से को देखते हैं जो सफ़ेद और काले रंगों के साथ में एक विचित्रता के रूप को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों के सामने एक बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पर इमाम बारागाह के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। आप इसको फुर्सत से बैठकर पढ़ सकते हैं, आप बाकी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। और जब हम अपनी नज़र को ऊपर की तरफ डालेंगे तो आप लोगों को एक मछली दिखाई देगी, इसे दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है। और जो सबसे प्रमुख बात है वो आगे की तरफ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ नवाबों की। आइए, यहाँ पर आप लोगों को जो ये पूरे का पूरा स्टैचू दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये उस समय बिजली से बचने के लिए बनाया जाता था। जब कभी भी आकाश के अंदर बिजलियाँ गड़कती थी तो सबसे पहली जो उसकी लाइटिंग थी वो इस इमारत पे ना पड़े, वो इस पूरी की पूरी बेल जो कि तांबे और अलग धातु से मिश्रित करके बनाई गई है उस पर पड़ती थी ताकि इस इमारत को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। और इस पूरे के पूरे हिस्से में काफ़ी सुंदर बगीचा बनाया गया है। बीच वाले हिस्से में ये एक नहर बनाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस तरफ मस्जिद बनाई गई है। अब मैं आप लोगों को यहाँ से उस हमाम का जिक्र दूंगा जहाँ पर वो लोग शाही स्नान किया करते थे। ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ये क्या बना हुआ, ये मुझे संगमरमर के पत्थर और बाकी कुछ अलग पत्थरों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब हम लोग इधर आएंगे, ये देखिए, वाह, ये था उन लोगों का शाही हमाम जहाँ पर बादशाह पहले बैठा करते थे, स्नान किया करते थे, खुद को पवित्र करते थे और उसके बाद में इमाम बाड़ा के अंदर जाया करते थे। ये देखिए, ये उनका छोटा स्विमिंग पूल महसूस होता है देखने में। और इस वाले हिस्से में आइए एक बार, आप ऊपर आइए, देखिए,
दोस्तों ये जो पूरे का पूरा होद है ये अलग अलग पानी के लिए था, गरम ठंडा पानी और एक में गुलाब जल, जिससे भी बादशाह स्नान करना चाहते थे वो कर सकते थे। कितना बढ़िया, आज के समय में भी इन चीज़ों को बचा कर रखा गया है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ अपने आप में ये बनी हुई है। इस वाले हिस्से में हम उन बादशाहों के आप लोगों को टॉयलेट दिखाना चाहते हैं जो उस समय ट्रेंडिंग हुआ करता था, जिस तरीके से वो लोग इसको इस्तेमाल करते थे। ये आज के समय में जैसा भी दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा उस समय का टॉयलेट रूम वॉशरूम हुआ करता था। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को इसके बाकी हिस्सों में लेकर जाऊँगा, वहाँ जाकर देखने में क्या क्या दिखाई देने वाला है। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर छोटे इमामबाड़ा में, जिसको बनवाया गया था 1832 के समय में। आप इसके पहले बाहर का कुछ नज़ारा देख लीजिए, कितना शानदार नज़ारा यहाँ दिखाई दे रहा है। आप चारों तरफ से नज़र घुमाइए और हर तरफ देखिए, जहाँ भी आप लोग देखेंगे वहीं पर आप लोगों को एक अलग नज़ारा दिखाई देगा। वो मुग़ल शैली आपको दिखाई देने वाली है इस पूरे स्थान पर। ये सामने जो आप लोग इतना बड़ा हिस्सा देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है छोटा इमामबाड़ा, और इसे बनवाया गया था बादशाह मोहम्मद शाह अली के द्वारा। और दोस्तों ये पूरे का पूरा जो स्थान है ये अल्लाह को खुदा को याद करने के लिए बनवाया गया था, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट हैं जो उन्हीं के परिवार से संबंधित हैं। हम लोग सबसे पहले इस पीछे वाले हिस्से को देखते हैं जो उनकी बेटी का मकबरा था, जिनका नाम था नसीम बानू का मकबरा है पीछे की तरफ, और इसकी जो आकृति है वो हूबहू ताज महल की कॉपी पर इसको बनाया गया है उसी की जैसी दिखाई देती है थोड़ा वो देखने पे। ये नीचे का हिस्सा इसका स्क्वायर फॉर्म पे बना हुआ है, चारों दिशाओं में इसके पिलर बने हुए हैं। ऊपर का थोड़ा हम इसकी जो कलाकृति है उसका जिक्र करते हैं। जो यहाँ पर ऊपर डिज़ाइन बनाया गया है इसके अंदर पहले के लोग जो धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा माना करते थे उन चीज़ों को यहाँ पर फोकस किया गया है। यदि हम अपनी नज़रें सामने की तरफ गड़ाते हैं तो वहाँ पर आपको उसके पीक पॉइंट पे जितना भी हिस्सा दिखाई दे रहा है वो कलश और जो उसके ऊपर हम नारियल रखते हैं और ऊपर चाँद की शेप बनी हुई है और बीच में तारे को इंडिकेट किया गया है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वास्तुकला के साथ में और धार्मिक चीज़ों के साथ में जुड़ी हुई मानी जाती थी। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ छोटे इमामबाड़ा के अंदर वाले हिस्से में, और उसका बाहर का जो नज़ारा है वो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ताकि अंदर जाकर हम एक एक चीज़ों को बारीकी के साथ में आपके समक्ष ला सकें। तो अब हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों को सामने की तरफ चांदी का सिंहासन दिखाई दे रहा है, और इसे मिंबर ए रसूल कहा जाता है जिस पे धर्म प्रचारक बैठते हैं, और अंदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित झूमर लगाए गए हैं। ये जितने भी झूमर हैं सारे विदेशी हैं, कोई बेल्जियम से लाया गया है, कोई पेरिस से, कोई चाइना से है, और हर एक झूमर बहुत ज़्यादा आकर्षित है। और जब इसके अंदर लाइटिंग की जाती है तो बहुत ज़्यादा चकाचौंध ये हो जाता है। देखिए कितने सुंदर सुंदर झूमर यहाँ पे लगे हुए हैं। और अभी हम थोड़ा और आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ दीवार पर काफ़ी सारे पुराने चित्र लगे हुए हैं, और जब हम इस पूरे चित्र को देखेंगे तो ये यहाँ के नवाब मोहम्मद अली शाह बहादुर का चित्र है जिन्होंने इस छोटे इमामबाड़े को बनवाया था, और ये अवध के राजा थे, और इनका जो कार्यकाल था वो 1837 से लेकर 1843 के समय का था। अभी हम सामने की तरफ में जो देख पा रहे हैं इसे मोम का ताजिया कहा जाता है, और मुहर्रम के समय में इसे शहर में घुमाया जाता है, और जो शिया मुस्लिम होते हैं वो इसे शौक के तौर पर मनाते हैं। और ये सामने की तरफ जो आपको दिख रहा है ये शाही ताजिया है,
यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो भी उनकी मन्नतें होती है यहाँ पर पूरी की जाती हैं। देखिए कितना बारीक तरीके से इसको बनाया गया है और इसको इस छोटे इमामबाड़ा के अंदर रखा गया है। यहाँ पर एक छोटी सी पालकी झूला, और अब हम आगे की तरफ चलते हैं और इस छोटे इमामबाड़े के बाकी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ सबसे पहले जो आप लोगों को ये बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, ये 12 इमाम के नाम हैं जो अवतार बताए जाते हैं, जिनको आप अगर इस भाषा को पढ़ना जानते हैं तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ में हमें यहाँ पर जो ये झूमर दिखाई दे रहा है, ये बेल्जियम का झूमर है, और देखिए कितना ज़्यादा सुंदर। तकरीबन इसे 280 साल पुराना बताया जाता है। ये जो दोनों के दोनों आपको कब्र दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ के मोहम्मद और उनकी माँ की कब्र हैं। ये यहाँ पर भी एक ताजिया बना हुआ है, और ये सामने की तरफ पूरी कुरान लिखी हुई है। यहाँ पर जो आपको पूरे का पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये करबला का चित्र है जो इराक के अंदर वर्तमान में आता है, उसका नक्शा है। इसके अंदर आप लोगों को सामने की तरफ जो ये ताजिया दिखाई दे रहा है, ये हाथी के दांत का है। ये इसकी यही खूबी है। और ये रिफ्लेक्टर शीशे हैं, जब लाइट यहाँ पे नहीं हुआ करती थी तो एक मोमबत्ती जलाने से पूरे इसमें रोशनी हो जाती थी। यहाँ पर भी इमाम के नाम लिखे गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर बेहतरीन है ये। और ये बात उस समय की है जब 680 ईस्वी के अंदर करबला का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के होने की जो खास वजह थी वो ये थी कि एक बहुत कुकर्मी शासक थे यजीद प्रथम, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी मोहम्मद इमाम हुसैन जी ने, और उनको शहादत मिली थी, तो उनके याद में यहाँ पर छोटा इमामबाड़ा बनाया गया है। और उनकी जो तारीख है वो 10 अक्टूबर 680 है, जिसको मुहर्रम बनाते हैं। और यहाँ पे जो ये आपको घड़ी दिखाई दे रही है, ये पेरिस के बादशाह आए थे, उन्होंने गिफ्ट की थी। सामने की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पूरे की पूरी हैंड राइटिंग कुरान है, काफ़ी बारीक लिखी गई है। और इस पूरे छोटे इमामबाड़े के अंदर का जो नज़ारा है बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे अलग अलग चित्र बने हुए हैं, जिसमें मक्का मदीना करबला इराक के चित्र यहाँ बनाए गए हैं। अब हम बाहर की तरफ निकलते हैं यहाँ से। तो राज भाई, आप हमें कहाँ कहाँ घुमाने वाले हैं बता दिए बस। अभी आपने छोटा इमामबाड़ा देखा, बड़ा इमामबाड़ा, रुमानी गेट, और आपको ले जाएंगे बटलर हाउस। ठीक है, तो आसपास के सारे पॉइंट घुमाएंगे पक्का। तो दोस्तों, काफी सारे पॉइंट हमें यहाँ पे घूमने हैं, और आप लोग मेरे पीछे कुछ लाल से रंग का हिस्सा जो देख पा रहे हैं, उसे कहा जाता है सतकंडा। इसकी भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। उसके पीछे का एक अलग इतिहास है, और उसका इतिहास इसी स्थान से जुड़ा हुआ है, यहाँ के बादशाह से उसका इतिहास जुड़ा हुआ है। जब बनाएंगे तो उसको भी जरूर आप देखिएगा।